Chair, I would like to introduce to you about Mr. Prashant Rao. Mr. Prashant Rao is an anchor based out in Mumbai, and that is also not anywhere else, but he is in Borivali Dahisar. So I am very much happy he stays in Ashokwan, and Mr. Prashant Rao is a full-time anchor, stand-up artist, entertainer, and charged up by all success. An amazing entertainer, Prashant is a laughter king. He is a former medical representative and now he is a full-time anchorer. As he says, by doing a job of the medical representative, he realized, क्योंकि medical representative वो रहते हैं जो हमेशा दवाई बेचते हैं, तो उसको ऐसा लगा कि laughter is the best medicine in life. So he also admitted the same and left the job of MR. He entertained audiences in real life situation and daily experiences in a most humorous way possible. He anchored in wedding ceremony, mehndi and sangeet sandhya event. He also worked with Raju Srivastava, Johnny Lever, Gaurav Sharma, Shekhar Suman, Kapil Dev and Manish Paul. He has many television shows. He has anchored many television shows, also presented a corporate event and hosted music program and many more things. So I am very happy to see Mr. Prashant Rao on this platform, and today I am happy to welcoming him on MPA Zoom video conference with our lovely, lovely, lovely life member. And I welcome here with Mr. Prashant Rao. Mic is yours. Sir, one minute, sir. हमारे president जो है, president भी आपको welcome करेंगे. सोनू भाई, सोनू शर्मा जी. Welcome, sir. On behalf of Mumbai Photo Corporation, हम आपको welcome करते हैं. और sir, हमने तो आपको live बहुत देखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारे members जो है वो आपका करिश्मा भी और मजे से दिखेंगे. थैंक यू सर. और अभी प्रशांत जी, माइक जी, कैमरा, कैमरामैन सब आपके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. बाय सिरेन जी, थैंक यू सो मच. मेरे लिए एक ये कुछ दिन बहुत मुश्किल गए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए लाइव जाता रहा, लेकिन इट वाज लाइक अ वन साइडेड अफेयर. क्योंकि वैलेंटाइन डे को आप बहुत सारे वैलेंटाइन डे के कार्ड लेके बैठो, सामने देने के लिए कोई नहीं है, ऐसी सिचुएशन थी. लेकिन इस ऐप के जरिए पिछले 3-4 दिन से जिनके साथ में मैं लाइव जा रहा हूँ, उसमें से कुछ लोगों को मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. विजय, कैसे हो? मैं जिन जिन लोगों को स्क्रीन पे देख रहा हूँ उनको हाई बोल रहा हूँ. लेकिन मैं आपको बताऊ, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग. पहली बात, 10-12 दिन हुए है और कुछ भी गलत नहीं हुआ है. सबसे पहला काम, अगर मुझे इस मूड से बाहर निकलना था, तो मैंने सबसे पहला काम किया, मैं सुबह, दोपहर और शाम सिर्फ 3 बार 15 मिनट के लिए न्यूज चैनल देखता हूँ. बाकी टाइम पे मेरे घर का टीवी बंद रहता है, क्योंकि जितना मैं को उतना दुखी होते जा रहा हूँ. इसीलिए मैंने देखो, मैं एक एंटरटेनर हूँ, और आज की तारीख में जो भी कोई डिस्कस कर रहा है ना, वो CNBC में शेयर मार्केट के बारे में ओपिनियन पूछते ना, वैसा ओपिनियन पूछ रहा है और जवाब भी गेस्ट की तरह दे रहा है. शू लागे छे तमने, शू लागे, शू थसे, बस इसका जवाब नहीं. फालतू में माहौल बना के हम लोग बैठे हुए, क्या होगा किसी को पता नहीं है. इसीलिए मैंने मेरे प्रॉब्लम, मैं किसी को कोई दूंगा, मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया बता रहा हूँ. मैंने अपने कोरोना वायरस के प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड किया. सबसे पहला, कोरोना प्रॉब्लम मल्टीनेशनल लेवल पे हुआ, उसके लिए अमेरिका भी लड़ रही है, इटली भी लड़ रही है, स्पेन लड़ रही है, तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं. दूसरा, नेशनल लेवल पे क्या होगा, नेशनल लेवल पे हमारे देश की सरकार जो है वो अपने हिसाब से लड़ रही है, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता. तीसरी, लोकल लेवल पे, मैं मेरे सोसाइटी के बाहर नहीं जाता हूँ, मैं राशन लाने के लिए बहुत जरूरत पड़ी तो ही जाता हूँ, बाकी BMC लगे हुए. तो कोरोना के मामले में घर में बैठने से बेहतर मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने फैमिली के साथ में बैठा हूँ. फैमिली के साथ वक्त गुजारना और वक्त निकालना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है.
गुजारना इज 1000 times बेटर देन वक्त निकालना। और शुरुआत के दिनों में बहुत सारे वीडियोस आए होंगे जिसमें पति बर्तन मांज रहा है, कोई लोगों ने फोटो डाले, कोई लोगों ने वीडियो डाले, अब धीरे धीरे ये फेड होते जा रहा है। रिमेम्बर माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग मुंबई जैसे शहर में बसते, मुंबई और उसके उपनगर के आसपास की जिंदगी में कभी भी कोई भी काम रुक नहीं सकता। इतिहास बोलकर देखो, जहां जहां समाज बसता है वहां पर एंटरटेनमेंट, इवेंट, सेलिब्रेशन, प्रसंग होते ही रहेंगे। और किसी को भी ये लग रहा है कि अगर इसके बाद अपना काम का क्या, भाई असर सब पे होने वाला है। हमारे दादाजी ने जीरो से स्टार्ट किया, हमने कभी उनका रिकॉर्ड नहीं, हमने कभी नहीं रखा, लेकिन अब हमको फिर एक बार शुरू करने का मौका मिला है। कम से कम हमारा रिकॉर्ड तो हम लोग रखेंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप ये सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, जो डेली वेजेस पे काम करे उनकी हालत खराब है, सरकार उनके साथ क्या। बॉस इमेजिन करो, हमारा नंबर अगस्त के बाद आने वाला है, लेकिन अगस्त तक अपने भी प्रॉब्लम को 3 parts में डिवाइड करो। फ्यूचर में क्या होगा, इस वक्त उस खौट को रोक दो, 1 महीने में क्या होगा, क्या हमारे पास 2 वक्त की रोटी का खाना है, राशन है, सब कुछ है, एक शांत रहो। आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हेड ऑफ The family, आज मुझे बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन तक जोक्स देखना, इसको पब्लिक डंडे मार रही है, देखो इसको पटके पड़ रहे हैं, ये समाज ने किया, वो समाज ने किया, ये सारी बातें चल रही थी, अब धीरे धीरे ये जोक्स दूर होते जाएंगे और सीरियस बातें आएंगी। आज हमारी सोसाइटी में अलग विंग में रहने वाला एक मेंबर जो पिछले 15 days से क्वारंटाइन था, उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया, वो कस्तूरबा में, उसने वहां से वो रिपोर्ट पोस्ट किया, हमारी बिल्डिंग बहुत सुकून की सांस ली, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके माँ बाप को लोगों ने 15 दिन तक उसकी हालत खराब कर, हर 15 दिन तक लोग उसको परेशान करते रहे, बाहर मत निकलना। अरे उनका बेटा एयरपोर्ट से आया सीधा कस्तूरबा गया, वो किसी को मिला भी नहीं, लेकिन लोग लगे हुए और इस तरह पैनिक बना के रखा है। भाई मैं एक ही बात कहूं, अपने को बहुत पॉजिटिव नोट पे रहना है, अपने को बहुत सोच समझ के काम करना है, लेकिन इस वक्त कुटुंब प्रमुख की जिम्मेदारी आपको निभानी। Am I live? Can you hear me? या योगेश भाई, ये क्या चालू कर दिया योगेश भाई? योगेश कराणी, योगेश कराणी भाई आप बंद करिए आपका ये, सब लोग बहुत सारे तो अपने ऑडियो म्यूट कीजिए, सब लोग कोई कुछ कहना चाहता है तो 1 second के लिए अनम्यूट करके वापस म्यूट का वीडियो आ रहा है मेरे स्क्रीन पे। योगेश कराणी कौन था प्लीज, आप लोग का बीच में से कोई कुछ मत कीजिए, आप ऑडियो ऑडियो बहुत आ रहा है बीच में, का ऑडियंस डिस्टरबेंस बहुत डिस्टरबेंस है। अतुल भाई, वो एक रेड एमआई करके जो मोबाइल है ना, उससे कंटिन्यूस हमिंग आ रहा है, अगर उसका नहीं हो रहा है तो उसको रिमूव कर दो राइट नाउ। यो हेलो अतुल भाई, होस्ट जो है ना, होस्ट वो ऑडियो सब ऑडियो बंद कर सकता है, मैं करता हूं, आप लोग मत बोलो, का ऑडियो सब लोग नहीं है प्रजात, मेरी एक लंबा एसोसिएशन पिछले 22 साल से रहा है, और मैं सच कहता हूँ कि कभी कभी ना, अभी जब कभी वापस जब इवेंट शुरू होंगे ना, तो लोग इवेंट का शूटिंग करें, आप लोग मिक्सर पे बैठते हैं, कंसोल पे बैठते हैं, लेकिन एक माइक जो कंसोल पे बैठता है ना उसका चालू रहता है, और वो है ना उसका जो माइक लगा रहता है उससे सब लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, ये है ना कभी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से जो शब्द सुमन निकलते हैं, अबे ए क्या कर रहा है, इसको कवर कर, अबे किधर दिख रहा है, ये क्या, ये सारी बातें जो है ना हम फिलहाल मिस कर रहे हैं, और ये बातें दोबारा शुरू होगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फोटोग्राफर्स तो इतने ब्रिलियंट है, मैं तो कभी कभी फोटोग्राफर इतना बड़ा फैन हूँ कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर आप लोग पहुंच सकते हैं, और आपकी फैमिली अगर इस प्रोग्राम देख रही है कोई बात नहीं है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड नंबर आज जो हुआ है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज बहुत कुछ नसीब है, हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है, हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, और इस वक्त हम लोग इसको लाइव देख सकते हैं, यानी दोस्त की रोटी का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम 21 दिन का ये टेंशन दूर करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कौन, हम कुछ दिनों पहले तकरीबन 7-8 महीने पहले एक सर्वे हुआ था किस देश का नागरिक कितना सुखी हैप्पी सिटीजन ऑफ द कंट्री, और ये जब स्टडी किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान का नंबर 197 आया,
97 नंबर पर पाकिस्तान का था पूरे वर्ल्ड में, और इतना मेरे को खुशी हो गया, देखो पाकिस्तान के लोग 97 नंबर पे, लेकिन बॉस उसके बाद हमारा नंबर आया और मैं बहुत हैरान हो गया यार, हमसे भी ज्यादा पाकिस्तान के मेंबर ज्यादा खुश है और हम लोग दुखी क्यों है। तो उस रिपोर्ट के अंदर मैं गया और ये पता करने की कोशिश की कि हमारे देश के लोग, हमारे पास तो डेमोक्रेसी है, हमारे पास सरकार अच्छी है, लोगों ने चुना हुआ, उसके बावजूद हमारा देश का नंबर इतना पीछे क्यों चला गया। तो मुझे पता चला था बेसिक रीजन बिहाइंड इंडियन पीपल बीइंग अनहैप्पी, उसका रीजन ये था कि हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को परेशान कर रहा था वो ये था कि मेरे बच्चे, मेरा पड़ोसी या मेरे कंपटीटर खुश कैसे, उसके घर में कैसा चल रहा है। इस चक्कर में हम लोग सब दुखी थे और ये ईगो अब हमको निकालना पड़ेगा। अब हमारा पूरा डीएनए चेंज होगा। आज जिनके पास बैंक बैलेंस है वो बैंक में हुआ है, जिसको दो वक्त की रोटी मिल रही है, गरीब भी वही, मिडिल क्लास भी वही है, अमीर आदमी सब एक ही लिस्ट में चुके हैं, एक ही नाव में वो जुड़ चुके हैं। अब कोई डिफरेंस नहीं रहा। कोई आदमी को ये लगता था कि यार मेरे दो फ्लैट है जो मैंने भाड़े पे लिए उसका भाड़ा आ रहा है, बॉस सेकेंड होम और लोनावला का 17 एकड़ का फार्म हाउस सब अब इक्वल हो चुके हैं। नाउ वी ओपन द आईज। इस दुनिया में अगर आपने किसी और के लिए अभी तक कुछ भी किया है तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं देने वाला है, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन एंटरटेनमेंट, इवेंट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आप देखो अगर कोई भी आदमी कोई वीडियो बनाना चाहता है, जैसे कि मैं एक बार ये वीडियो बनाना चाहता था, मैंने एक वीडियो डाला है जो बड़ोड़ा के बारे में, रामेश्वर के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है। तो आई वॉन्टेड सम फोटोग्राफ ऑफ बड़ोड़ा सिटी, तो बड़ोड़ा सिटी के फोटोग्राफ जब मैं देखने गया, मैक्सिमम टाइम पे मुझे फोटोग्राफ अच्छे नहीं मिले। और फिर मुझे एक फोटो बैंक जो होती है, यू नो इट बेटर, तो उस फोटो बैंक में मैं गया, वहां पर मुझे बहुत अच्छे फोटो मिले बट उसके ऊपर वाटर मार्क था। फिर मुझे वो आदमी को ईमेल करना पड़ा, आई हैड टू परचेज दैट फोटोग्राफ, यानी दैट इज ऑल्सो बिजनेस। बिजनेस बॉस, हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को खोलना है, अब पूरा सिस्टम बदलेगा। एज एन आर्टिस्ट इतने दिन तक मैं जो परफॉर्म करता था और इसके बाद जो मैं परफॉर्म करूंगा, ये सब कुछ बदल जाएगा। एज अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, अगर आप में से कई लोग स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुंचे, लोगों को तो क्रीम टाइम, कुछ लोगों ने तो अभी अभी करियर की शुरुआत की थी, कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी फैमिली को बताया था कि भाई अभी अपना कॉन्टेक्ट हो गया, ये ऑर्डर अगर अपने को मिल जाए, अचानक ये सब रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। बॉस बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पर कभी कुछ रुक नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट इन फुल फ्लेज। लेट मी टेल यू, ये ग्लोबल इकोनॉमिकल रिसेशन, बॉस 3 साल से तो अपन ग्लोबल रिसेशन में पड़ ही रहे थे। हमारे कितने सारे क्लाइंट थे जो एक शादी में 6-6 प्रोग्राम रख रहे थे, वो ऑलरेडी एक और दो पे आ गए थे। सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक चीज है, जो आदमी जेन्यून है, जिसके पास आर्ट है, जिसका रेट रीजनेबल है, अब ये क्लॉज एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, जिसका रेट रीजनेबल है उसको बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको क्लाइंट्स के साथ बहुत क्लियरली बात करनी पड़ेगी, आप उनको ये समझाना पड़ेगा, झगड़ा करके नहीं, आर्ग्यूमेंट करके नहीं, उनको ये बताना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री जब शुरू होगी उसके लिए आपके बिजनेस के नंबर आने वाला है। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 9 डेज का सिस्टम अब हमको रोकना पड़ेगा। यू हैव टू गिव 50% एडवांस एट एनी कॉस्ट, और आपको आपका प्लानिंग करना पड़ेगा। यू हैव टू गो एंड टॉक टू ऑल योर क्लाइंट्स, और उनको ये बोलना पड़ेगा कि अब हम एक डील करते हैं, जो भी आपका रेगुलर रेट रहे उसके प्रॉफिट में कटिंग करके आपको उनके साथ 3-5 कमिटमेंट करना पड़ेगा। व्हाट आई डिड, आई टॉक टू लॉट ऑफ द इवेंट कंपनीज और उनके साथ मैंने जजमेंट किया। उनके जजमेंट के हिसाब से अगस्त के आसपास ये सब शुरू होने का, नंबर ऑफ पर्सन इन एन इवेंट बी लेस 100-150-200 तक का परमिशन शुरुआत में मिलने वाला है, यानी बैंकेट्स में या छोटे छोटे हॉल में इसकी शुरुआत होगी। फुल फ्लेज शुरू होने को मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर लगेगा, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग तेजपाल में शो कर रहे हैं, रविंद्र नाट्यम में या नेहरू सेंटर में शो कर रहे हैं, उसके लिए शायद हम थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। और उसके लिए मैंने इवेंट वालों के साथ बात की, ऑर्गेनाइजर्स के साथ में बात की, और मैंने उनको बहुत सिंपल बात समझाई। देखिए जो है वो है, अभी जो सिचुएशन है उसको मुझे फेस करना है। यू आर एन ऑर्गेनाइजर, वी डू अ शो, यू अर्न इन लैक्स, वी अर्न इन थाउजेंड्स, तो हम एक डील करते कि आपके अगले 3 मैं ये रेट में करूंगा,
मैंने उनके साथ क्लियरली बात की, मैं ये रेट में करूंगा एंड लेट मी टेल यू आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी। बस आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आपके पास जो इक्विपमेंट है उसकी केबल्स है, लेंस है, कैमरास है, इसका मेंटेनेंस है, तो स्टैंड, आईपॉड, फ्लैशलाइट, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो इन सबका मेंटेनेंस भी आपको लगने वाला है, तो ये कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है इस, और घर का खर्चा निकालना है। अब बहुत सारी बातें आप प्रायोरिटी पे कर ले। पहली बात तो यह है कि कुछ खत्म नहीं हुआ, एक ब्रेक आया। दूसरी बात, हम बहुत वाहियात चीजों में बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे, इंक्लूडिंग मी। आप जस्ट इमेजिन करो, हमारे घर में एक वाईफाई कनेक्शन था जिससे सबके मोबाइल चल सकते थे, फिर भी हम सबके मोबाइल के ऊपर सिम कार्ड के ऊपर डेटा था। हमारे घर में सबके पास मोबाइल थे, उसके बावजूद हम सबके घर में एक या दो एक्स्ट्रा हैंडसेट पड़े हुए हैं। हमारे घर में हैंडसेट और मोबाइल सब होने के बावजूद मेनी ऑफ अस हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिम कार्ड थे, ड्यूअल सिम कार्ड के ऊपर हमने वो चलाए थे। अब ये सारा सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा, केबल के लिए कितना खर्चा। अगर आप टीवी देख ही नहीं रहे, केबल पे टीवी देख ही नहीं रहे हो, तो मोबाइल पे टीवी देखो। लेकिन कम टू अ कंक्लूजन, बच्चों को फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब भूलने के लिए कह दो, अब ये कहानी खत्म हो चुकी है। अब कॉलर ट्यून, कल ही मैंने अनसब्सक्राइब किया कि मेरा, मुझे जो भी फोन करे उसको एक गाना सुने, नींद बंद में लेता नहीं। जो लोग जानते हैं मुझे उनको मालूम है, मैंने, मुझे मैसेज आया कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, इमिडिएटली नो, 69 रुपीज इफ आई एम पेइंग फॉर अ कॉलर ट्यून, कोई मतलब नहीं, ट्रिंग ट्रिंग बजने दो ना। ये सारे वाहियात खर्च मैंने बंद किए। देखो, कंजूस होना और पैसे की बचत करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपको आपके बच्चों के इसमें बैठ के उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग शुरुआत में कुछ दिनों के लिए कट डाउन करना पड़ेगा, मगर आई एम ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि ये सब कुछ 2-3 महीना चलेगा। ये जो इकोनॉमी फलाना डिमका ये सब जो डिस्कशन टीवी पे चल रहा है, बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, ये होने वाला है। बस अमेरिका वाज ऑलरेडी वाज इन प्रॉब्लम, चाइना वाज इन प्रॉब्लम, फिर भी इंडिया सरवाइव कर रहा था। अब ये सब होने की वजह से आज देखो, सब्जी मिल रही है, दूध मिल रही है, किराना की दुकान में दाल मिल रहा है, चावल मिल रहा है, किसान को कोई काम रुका नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, मास्क बन रहे हैं, सैनिटाइजर बन रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है, कुछ रुका हुआ है तो कुछ चल रहा है। अब बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी और हमारा डेटाबेस हमको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है, मैंने अपने से शुरुआत की, यार अभी मेरे पास फ्री वक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने अपने गांव का नाम ढूंढा, तुम्बीगेरे, कर्नाटक में दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा गांव, 50 घर है इसमें, तुम्बीगेरे। तो मैंने जाके नेट पर पता किया, हमारे गांव के बारे में कुछ भी नहीं है, तो मैंने फटाफट 15 लोगों को फोन किया, उनसे डेटाबेस जमा कर रहा। ऐसा आपके, आपको खुश रहना है तो आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा। अभी जो लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है वो नई टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बैठे बैठे क्या करना है, उनको उन लोगों से कांटेक्ट करना है। अभी इंटरनेट तो चालू है, यू गो, यू टॉक टू देम ऑन अ वीडियो कॉल, लर्न एडिटिंग, लर्न एडोब फोटोशॉप में कुछ एडवांस टूल्स आए क्या, ये उनसे सीखो, ये आप कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। और सबसे मेन बात तो क्या है कि वो ये इंसान कभी नहीं करेगा जिसका मन नेगेटिव मूड में चला गया, जो डिप्रेशन में चला गया। आज मुझे लोग बोलते हैं, प्रशांत भाई नया आइटम बनाओ। बॉस, इतना दुख, इतना स्ट्रेस में नया आइटम बनाना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। बिना ऑडियंस को बिना देखे सामने से बात करना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को एड्रेस कर, हमारे इंडस्ट्री में इतने सारे एंकर्स है, इतने सारे एंटरटेनर है, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि मेरी बातों में कहीं ना कहीं आपको, सबसे पहला काम तो ये करो, फेसबुक पे उन लोगों को अनफॉलो करो जिनका पोस्ट देखने से आपको तकलीफ होती है। बहुत सिंपल बात, मैं आपको बताता हूं, मैंने ये किया है। अगर मैं उनको अनफ्रेंड करूंगा उनको बुरा लगेगा, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने उनको अनफॉलो किया है। मैंने उनको अनफॉलो इसलिए कर दिया है क्योंकि उनकी पोस्टिंग देख के मैं इरिटेट होता हूं, कुछ मुद्दे की बात करें। दूसरी बात, उन लोगों को टेलीफोन बिल्कुल मत करो जो आपके फोन करने के बाद दुख की कहानी सुनना थे, भाई मैंने तो कहा खबर नहीं शू करवानो, पाट लागी गई थी, मने तो एम लागतो नथी कि सोम जनवरी आव 2022 बर्बाद थी गयो, मने सु भाई, डोंट कॉल देम एंड डोंट गिव दिस मैसेज टू एनीवन आल्सो, बिकॉज ही आल्सो डोंट नो एंड इवन आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। इसीलिए मैं, जो चेहरे मेरे सामने नजर आ रहे, मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं,
आप भी मुझसे प्यार करते हो, हमारा प्रोफेशनल रिलेशन खत्म हो गया है, अब हम हमदर्द और हम ख्याल है, जो आपके साथ होने वाला है वो मेरे साथ होने वाला है। आपको तो फिर भी कुछ ना कुछ इवेंट्स हमारे से भी पहले आएंगे, आपका नंबर हमारे से भी पहले, हमारा बहुत बाद में है, क्योंकि आदमी जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा सबसे पहला धंधा पानी दे भाई, चलो काम चालू करो। जब वो काम चालू करेगा उसमें वो बिजी हो जाएगा, जब वो बिजी हो जाएगा तब वो कमाएगा, जब वो कमाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, सबसे पहला काम वो ये करेगा अपनी फैमिली को एक साल तक सिक्योर करके, एक साल तक उसका खाने पीने का कपड़े का कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, वो कर लेगा। उसके बाद उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो बोलेगा हावे का है तो सेलिब्रेट करवा लो जी, बॉस हमारा नंबर बहुत बाद में आने वाला है। लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा काम इसलिए आने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए है और ये लोग फोटो निकाल निकाल कर लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग जेन्युइनली कर रहे हैं, लेकिन देर आर सम पीपल हु वांट्स टू टेल अदर्स कि मैं ये कर रहा हूं। हैप्पीनेस एंड सक्सेस इज मीनिंगलेस अनलेस यू शेयर। तो ये लोग जो जो काम कर रहे हैं वो अपने समाज को बताना चाहेंगे, उसके लिए उनको क्राउड इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए उनको फोटो निकालना पड़ेगा, उसके लिए उनको वीडियो शूट करना पड़ेगा, उसके लिए उनको रील्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए उनको प्रोमोस बनाने पड़ेंगे। तो आपका नंबर मुझसे पहले आएगा, याद रखिए, आई एम फार अवे फ्रॉम यू पीपल। आप मेरे लिए खाली दुआ कर सकते हो कि प्रशांत तुम्हारा काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स का मुझे फोन आता है, क्लाइंट तो नहीं कह सकता हूं मैं, मेरे हम ख्याल लोग, उनका मुझे फोन आ रहा है, प्रशांत भाई तुम्हारी इंडस्ट्री में हवे शू थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नू शू थे, इवेंट नू शू थे। तो मैंने उनको बोला मुझे पता नहीं है, बट आई एम नॉट वरीड, आई एम कंसर्न बट आई एम नॉट वरीड, आई एम स्ट्रेस नॉट स्ट्रेस। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, 3 दिन पहले फेसबुक पर एक मैसेज आया, उसके अंदर एक आदमी ने ऐसा मैसेज किया है कि हमारा एक म्यूजिशियन भाई सीरियस है, अभी अभी खबर मिली कि वो एक्सपायर हो गया। तो जैसे ही ये खबर मिली तुरंत लोगों ने रिप 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 रेस्ट इन पीस डालना शुरू कर दिया। तो मैंने जाके चेक किया तो उस पर एक लड़की ने कमेंट किया था कि तुम ऐसे कैसे किसी की डेथ की न्यूज डाल सकते हो। मैंने पता किया वो अभी वेंटिलेटर पे, बॉस मैंने फिर वाया सोर्सेस ये पता करने की कोशिश की कि एक्चुअली हुआ क्या है। जब मैंने ये पता किया तो मुझे पता चला कि उसको पैरालिसिस का अटैक आया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है और वो सीरियस है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। अब देखो सबसे पहले लोगों के मन में ख्याल क्या आया, अच्छा इसको कोरोना नहीं है। बॉस आज का आज हम टपक जाएंगे ना, देर आर नो पीपल टू कम फॉर अवर फ्यूनरल। बॉस किधर बैठे हम लोग, किस अंगार पे बैठे, वो आदमी को कोरोना हुआ है कि नहीं ये पता किया। दूसरी बात, किसी ने ये नहीं सोचा कि उसको पैरालिसिस का अटैक कभी क्यों आया। बॉस वो आदमी एक म्यूजिशियन, जितने वो शो करता है उसी पैसे से वो अपने घर का पैसा भरता है। उसने कभी कोई सेविंग नहीं किया, कभी उसने कोई मेडिक्लेम नहीं किया, उसने कभी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं किया था। तो उसको पैरालिसिस अटैक क्यों आया, क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन इसने ये फालतू स्ट्रेस इतना ले लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया कि उसका ओवरशूट हो गया ब्लड प्रेशर, तब उसको ये पैरालिसिस अटैक आया। गाइस वो आदमी के साथ में बात करने के लिए ना मैं था ना आप थे ना ऑप्टिमिस्टिक थिंकर थे। आप लोग इस वक्त हेल्दी है, साउंड है, खाना खा रहे, टीवी देख रहे, मोबाइल पे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कम से कम आप ये गलती मत करो, स्ट्रेस वाले मैटर से दूर रहो, न्यूज कम से कम देखो, जितना हो सके मत देखो। अगर आपके ऐप के ऊपर अगर मिनिमम, बॉस जब वॉर चल रहा था तब हमारे दादा दादा ने क्या भुगता होगा, वी डोंट नो। और कौन अमीर है कौन गरीब है ये सारी मात्राएं अब खत्म हो गई है। मैं देख रहा हूँ ब्लू शर्ट में ब्लू टी शर्ट में कुछ लोग जिनके चेहरे पर स्माइल है, मैं सबके तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन अनंत है और हेमल है एंड किरण हमारे साथ में है और रोहित है, हसमुख भाई एंड संजय भाई, सुनील शर्मा, अल्पेश भाई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, पंकज भाई आपने मेरे साथ में रहना चाहिए क्योंकि कमल हमेशा, पंकज यानी कमल, कीचड़ में ही खिलता है। भरत भाई हमारे साथ में, हितेश है, मुकेश भाई एंड अतुल भाई तो हमारे साथ जुड़े हुए है, सुनील पारेख जी, ये मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भरत भाई, ललित भाई, मेरी मीटिंग के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव लोगों के साथ कम्युनिकेशन इमीडिएटली बंद करो। सू थसे, अरे तुमको खुद को, मैं आप सीए, एक बात बताता हूँ, जब शेयर मार्केट का उथल पुथल चल रहा था तब ये बात मेरे सामने आई थी। एक आदमी शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े बोल्ट को मिलने गया,
उसके घर में गया तो वो आदमी सोफे पे बैठा हुआ था और सीएनबीसी देख रहा था और उसके बाजू में एक कुत्ता बैठा हुआ था, बड़ा जोरदार कुत्ता था। तो ये आदमी ने उसको बोला, बोला सर मैं आपके साथ मीटिंग करने आया हूँ, हमारी बात तो चलेगी लेकिन आपके बाजू में जो कुत्ता बैठा ना वो बड़ा जोरदार ऐसा लगता है कि शेर है, क्या बात है। तो आदमी ने बोला ये शेर ही है, सीएनबीसी देख देख के कुत्ता हो गया है, समझ गए आप। इसलिए आपको क्या बनना है और क्या, बस आपका पूरा परिवार आपकी तरफ से बहुत उम्मीद से देख रहा है और ह्यूमर देखना है, हैप्पी मूड होना है। तो आप बहुत सारी ऐसे पोस्टिंग्स है जिनको देख के मुझे बहुत मजा आया। अभी देखो जो दारू पीने वाले थे उनकी हालत खराब है, गुटखा खाने वाले थे उनकी हालत खराब है, और ऐसे टाइम पे मेरा एक दोस्त है उसने फेसबुक पे फोटो डाला है, 328 खंभों का फोटो डाला है। वो भाई तू पी ना, लेकिन बाकी लोगों की हालत क्यों खराब कर रहा है, ये तो अच्छा है कि मैं अब नहीं पी रहा हूँ लेकिन जो पी रहे हो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। सबसे मजा मुझे तब आया कि मैं इसके अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखता हूँ। कुछ दिनों पहले एक रूमर निकला कि अजय देवगन की वाइफ काजोल और अजय देवगन की डॉटर, ये दोनों सीरियस हो गए, उनको कोरोना हो गया। ऐसा हंगामा हो गया सोशल मीडिया सेलिब्रिटी फील्ड में सब जगह पे, तो अजय देवगन को मजबूरन एक ट्वीट करना पड़ा और उसके अंदर उसने ट्वीट किया, आप देख सकते हो सोशल मीडिया में बड़ा ये फेमस हो गया। उसके अंदर एक ट्वीट करके बोला, दिस इज टू इन्फॉर्म ईच एंड एवरी सिटीजन इंडियन बॉलीवुड लवर्स एंड माई फैमिली के जितने भी वेल विशर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ काजोल और मेरी बेटी बिल्कुल सेफ है, उन्हें किसी भी तरह का कोरोना का वायरस नहीं हुआ है, उनकी तबीयत बिल्कुल साउंड है। तुरंत उसके ऊपर 3,500 लोगों ने रीट्वीट किया, वी आर वेरी हैप्पी टू नो, वेरी हैप्पी टू नो। उसके अंदर एक गुजराती आदमी ने ट्वीट किया है, अजय भाई मने बहु आनंद आवी गयो कि तुम्हारी वाइफ और डॉटर एकदम सारी छे, पर एक पर्सनल बात पूछवानी हती, एकाद विमल छे। ये होता है जज्बा, तो ये देखो ना। और ये सांबा का जो पोस्टिंग डाला है जिसके अंदर सांबा सोशल डिस्टेंसिंग दिखाते हो, पहाड़ के ऊपर बैठा है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है उसने, ये देखो। देखने के बजाय हम बॉस, हम लोगों को अभी वापस एक बार चले बैग भर, गाड़ी में डाल, लोड कर, मिक्सर लिया कि नहीं, इसका एम्पलीफायर है कि नहीं, यार तू फालतू बात करता है, ये कैमरा क्यों लिया, तेरे को कितनी बार, ये सारे काम जो है हमको दोबारा चालू करने। और हम लोग इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है बॉस। याद रखिए स्पेन और इटली के कुछ वीडियोस देखने के बाद मैं शुरुआत के दो दिन में इतना डिस्टर्ब हो गया था कि एक औरत है जिसके फैमिली के सारे मेंबर कोरोना वायरस से मर चुके हैं और वो अकेली जिंदा है और उसको बार बार डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको एडमिट होना है। She's around 35-36, वो अपने बदन पूरे कपड़े निकाल कर स्पेन में रोड पे पागल होकर घूम रही है और सबको बोल रही मैं तुम्हारे ऊपर रुकूंगी। बस ये साइकोलॉजिकल, वो लड़की पागल हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन है। और हम लोग इधर बैठे हुए हैं, मैं तू तू करते हुए, इसने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया। हमको इस वक्त घर में रहना है, पहली बात हमको ये देखने के लिए बिल्कुल नहीं जाना है कि कौन कहाँ घूम रहा है, पहले घर में रहो। दूसरी बात, बॉस इंडिया इज दी ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जहां पर 16-18 तरह की आबो हवा है। हमारे देश में रेगिस्तान भी, हमारे देश में बर्फ भी गिरती है, हमारे इधर पतझड़ भी, हमारे इधर सावन भी, हमारे इधर ऋतु भी है। हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया, वो कोल्ड रीजन है, वहां पर 12-10 डिग्री टेम्परेचर है। यूएस में मेरे दोस्त है, वो मेरे को फोन करके बोलते हैं प्रशांत यहाँ पर सूरज की एक किरण के लिए लोग तरस रहे। बॉस आपकी खिड़की के बाहर झुक के देखो, वहां पर सूरज तड़प रहा है, यहाँ पर सूरज की किरणें एकदम शार्प है। वी आर अमंग दोस फॉर्चुनेट पीपल जिनके पास आबो हवा है, एटमोस्फियर है। सो आने वाले कल में हमारे इन एटमोस्फियर में इस वायरस का लंबे समय तक जाना बहुत मुश्किल है। कितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कितनी हकीकत है, ये मैटर टोटली अलग है। लेकिन वी आर अमंग दोस फॉर्चुनेट, हमारी आदतें मत बदलो। घर में किसी भी इम्यून सिस्टम को वीक होने मत दो। कोई भी चटर बटर चीज घर में बनाकर मत खाओ, हेल्दी चीज खाओ, गरम चीज खाओ, चाय पीते रहो, ये सारी बात। और मैं, मुझे लोगों ने बताया प्रशांत भाई जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, सबसे पहले अपन शो करेंगे। और सब लोगों ने बोला पहली कंडीशन ये, कोरोना वायरस को नॉलेज नहीं देगा, खाली हमको हंसाओ। तो आज मैं भी हंसाने वाली बात आपके साथ में करता हूँ कि कौन अमीर है कौन गरीब है, इसका फैसला अब करने का वक्त आ गया। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मैं ट्रेन से कर्नाटक में दावणगेरे में मेरे गांव को जाता था मेरे माँ बाप के साथ। मेरे पिताजी ट्रेन का बुकिंग करते थे और हमारी पूरी फैमिली, यानी मैं, मेरा भाई,
और मेरे मम्मी डैडी, हम चार लोग ट्रेन से जाते थे। हमारी ट्रेन जो है वो कल्याण से निकलती थी, हम थाना में रहते थे, और ये मीरज में जाने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो ब्रॉड गेज से मीटर गेज होती थी, यानी ट्रेन का वही रहता था, लेकिन ट्रेन हमको अगले प्लेटफॉर्म में जाके पकड़नी पड़ती थी। सातवीं आठवीं में हमारा इंटरेस्ट क्या होता था, अब देखो सातवीं आठवीं का बच्चा जो होता है जो ट्रेन से जर्नी करता है, सब अंदर पिताजी पहले जगह देखते थे अपना सीट पे कोई बैठा है कि नहीं, लेकिन मैं वो चार्ट लगा रहता था ना उसके अंदर चेक कर रहा था मेरे उम्र की कोई लड़की है कि नहीं, मतलब जर्नी में थोड़ा आराम, बाकी कुछ नहीं, अपने वो करना क्या है। हमारा टाइम तो वो था जब ऐसा किसी को भी आई लव यू बोलने की आजादी नहीं, ये वक्त ऐसा आ गया है कि जिस उम्र में हमारे दांत टूटते थे उस उम्र में आजकल बच्चों के दिल टूटते हैं। तो आप सोचो, तो ट्रेन में हम जाते थे, ट्रेन में हम जर्नी करते थे, तो हमारे माँ बाप के साथ में बैठे रहते थे, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो पकौड़े वड़ा दाल वड़ा ये सब बेचने के लिए लोग आते थे, हम लोग हमारे पिताजी को बोलते थे पिताजी जरा वड़ा लो, तो पिताजी भड़क जाते थे हमारे पर, दादा ये सब गरीब लोगों के सोच ले, चुपचाप बैठ, लोग उनको खाते हुए देखते थे और सोचते थे यार कभी ना कभी जिंदगी में पैसा कमाऊंगा, यार मैं भी वड़ा खरीदूंगा। वक्त बदल गया, आज हमारी परिस्थिति ठीक हो गई, हम लोग फर्स्ट क्लास में जर्नी करने लगे, और फर्स्ट क्लास में जब जर्नी करे तो जैसे ही वड़े वाला पकौड़े वाला उसको हमने हाईजैक ही कर लिया, अबे बैठ इधर 15 प्लेट लगा हम सब खाएंगे, यार हम तो वड़े खा रहे हैं इन अमीर लोग घर से थेपला लेके आ रहे हैं, ये क्या लफड़ा है भाई, ये तो बहुत गलत बात है, कौन अमीर है कौन गरीब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब स्कूल में था तो मेरे घुटने पे पैंट फट गई थी, तो मेरी माँ ने रात भर बैठ के उसको रफू किया, आजकल के बच्चों को तो रफू करना क्या वो भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे मम्मी ने रात भर मेरी पैंट को फुल पैंट को घुटने पे रफू किया और मेरे को ये पीटा है, बोला देख बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मालूम था ये घुटने पे पटी हुई रफू की है। पूरा टाइम स्कूल में मैं वज्रासन में ऐसे बैठा रहा ताकि किसी को मेरे पैंट का पता नहीं चले, और मैं पूरा टाइम शर्मिंदा रहा, जब जब मैं स्कूल में गया शर्मिंदा रहा क्योंकि घुटने पर पटी हुई पैंट 18,000 रुपए में फटी हुई घुटने पर फटी हुई जींस बिकती है। तो फिर एक बार सवाल पैदा होता है कि आदमी अमीर कौन है और कौन गरीब है, हमको इस बात का फैसला करना है। तीसरी बात, जब 6:30 बजते थे शाम को तो मैं अपने पिताजी का इंतजार करता था, पिता के प्रति प्यार वगैरह कुछ नहीं है, वो अपनी साइकिल पर आते, मेरे पिताजी साइकिल पे जाते थे काम पे, जब वो वापस आते थे तो उनकी साइकिल का एक राउंड मिले इसके लिए मैं मरता था, और जब वो कभी कभी राउंड दे देते तो साइकिल टांग ऊपर नहीं पहुंचती इसलिए कैंची मार के चलाता था। आप लोगों ने कभी चलाई है कैंची मार के साइकिल? तो हम लोग कैंची मार के चलाते थे, तो हमको बहुत मजा आता था कैंची मार के साइकिल चला रहे। कुछ दिनों के बाद में अमीर लोगों ने स्कूटर खरीदी, मेरे पिताजी के पीछे मैं लग गया, बोला स्कूटर खरीदो उसको, मेरे पिताजी ने ईपीएफ से लोन निकाल कर बजाज चेतक खरीदी, तो उसके ऊपर बैठ के हम लोग जाते थे। अमीर लोगों ने कार खरीदी तो हम लोग बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि कब आएगा नंबर, पिताजी तो ले नहीं सकते। फिर मैं आर्टिस्ट बना, मेहनत की, पैसे कमाए, अब मैंने इतनी मेहनत के बाद में 22 लाख की इनोवा खरीदी है, उसमें 21 लाख का लोन है, तो मैंने 22 लाख की इनोवा खरीदी और इसके अंदर बैठ के जब मैं जाता हूँ ऐसा लगता है कि मैं राष्ट्रपति को सलामी देता हूँ, लेकिन अमीर लोग मर्सिडीज में घूम रहे। यार उनके मर्सिडीज में घूमने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि अमीर लोग जब मर्सिडीज में बैठ के घूम रहे उससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग मर्सिडीज में जिम जाते हैं और वहां जाकर साइकिल चलाते हैं, और इसी साइकिल से हमारे करियर की शुरुआत हुई। इसीलिए हर एक को अपना फैसला करना है कि वो कितना खुश है। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, याद रखिए एक तो पहले ही टेंशन है, आपका पड़ोसी, आपके वाइफ की सहेलिया, ये सब लोग ऑलरेडी एक एक नई नई कहानी लेकर आ रहे, और कुछ कुछ नीचे जाओ तो 15 कहानियां आपको मिलेगी, और ये बोलेंगे कि अरे इसको ये हो गया, बनाने खबर सोसाइटी में सील करी ना, मतलब सब जगह पर कहानियां ही कहानियां, और आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपका अभी दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नंबर नाम मैंने लिख के रखा है, आज ही मेरी बात हो गई। आप में से कितने लोगों का EMI बाकी है, हाउसिंग लोन का, कार लोन का? तो सिर्फ ऐसे ही हाथ ऊपर कीजिए, मुझे खबर तो पड़े, हाँ ऐसे जजमेंट ले रहा हूं मैं, देख रहा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि आपको आपका EMI कार का हो या घर का हो उसको 3 महीने के लिए होल्ड करने का RBI ने आदेश दिया, ये सभी बैंकों को मिल चुका है। मेरा कार लोन का आखिरी 2-3 हफ्ता बाकी था, मेरा 1 तारीख को इंस्टॉलमेंट कटता है, तो मैं 5 तारीख तक जब कटा नहीं तो मुझे लगा उनको भी इंस्ट्रक्शन मिला है, लेकिन आज सुबह मेरे अकाउंट में से वो इंस्टॉलमेंट कटा,
तो मैंने बैंक को कॉन्टेक्ट किया, मिसाल के तौर पर कोटक बैंक, मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया और उनको बोला जब 3 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगा तो आपने क्यों काटा? तो उन्होंने मुझे बताया, आर यू रजिस्टर्ड फॉर मोरेटोरियम? मोरेटोरियम आपने नाम सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। मैंने कहा भाई सैनिटोरियम के बारे में सुना है लेकिन ये मोरेटोरियम क्या होता है? तो उन्होंने बोला मोरेटोरियम के बारे में क्या जानना है आप गूगल पे जाके ढूंढ लो, विकिपीडिया में देखो, लेकिन जो बैंक सरकारी बैंक है वो लोग अपने आप 3 महीने के लिए आपका इंस्टॉलमेंट रोक रहे, इंटरेस्ट नहीं रोक रहे, सिर्फ आपका इंस्टॉलमेंट रोका जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बैंक है जो आपका इंस्टॉलमेंट काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक आप अपने आप को मोरेटोरियम में रजिस्टर नहीं करोगे। यू हैव टू फिल दैट ऑनलाइन फॉर्म और उसके अंदर आपको आपका लोन अकाउंट नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ये डालना पड़ेगा, तब आपको 3 महीने किप करने का मौका मिलेगा। तो 3 महीना आपका ईएमआई का आपको टेंशन नहीं, 3 महीना आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको मिलना नहीं है। अगर किसी के पास खाने पीने के लिए नहीं है, 100 पे फोन करेंगे तो आपको पुलिस आके खाना देके जाती है, और आप देख रहे हो कुछ कुछ लोग होने के बावजूद भी कर रहे हैं। हमारे इधर बहुत सारी सेवाभावी संस्था है जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज रिलीज किया, तो खाने पीने का अपने को टेंशन नहीं है। लाइट का बिल कम से कम आए इसका ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना खिड़कियां खोल के रखिएगा, और बहुत पॉजिटिव नोट पे काम कीजिएगा बॉस। आप लोग तो बीच में देखो कैंडिड फोटोग्राफी का बड़ा चला था, कैंडिड शादीशुदा इंसान को तो बिल्कुल पता है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोग बेसिक पे आ गए। और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बिजनेसमैन, शेयर मार्केट यहाँ वहां, उन्होंने परेशान, आई डोंट थिंक समथिंग इज रॉन्ग, ये स्टैंड स्टिल पोजिशन आई है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा इमीडिएटली सारे इवेंट दोबारा शुरू होने वाले हैं। ओनली थिंग इज दैट कॉस्टिंग में इस बार हमको प्रॉफिट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके लिए आप आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते हो। और फोटोग्राफर एसोसिएशन के जितने भी दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं या फिर ये मैसेज लोगों को पहुंचाएंगे, मैं उनको भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में है तो आपके साथियों के साथ में शेयर करो, अब वो टाइम आ गया है कि हकीकत को शेयर करो। हम इगोइस्टिक करके रहेंगे, कोई ने खबर नहीं पड़े ये सोचते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और बहुत हैप्पी हैप्पी नोट पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। एंड मैं एक बात कहूंगा कि आपकी वाइफ ने, आपके बच्चों ने आपका बहुत साथ दिया है और उनका भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, और याद कीजिए जब आपने इस फील्ड की शुरुआत की होगी तब आपको शुरुआत में ऑर्डर मिली है और वो डेवलप नहीं हो रहा है, या येलो शेड आ रही है, ग्रे शेड आ रही है, आपकी हालत खराब होगी, रात भर आप जग रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, उस वक्त आपकी वाइफ दौड़ दौड़ के आ रही है और बोले खाओ कुछ खा लो, बोला नहीं नहीं अभी जब तक ये नहीं होगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे को टेंशन मत दे, और आप पागल की तरह काम कर रहे हो। और ये सब टाइम याद करो, उससे बेटर टाइम अब है। फोटोग्राफी इज एन अमेजिंग थिंग, जो इकलौती फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इकलौती ऐसी चीज है जो हकीकत को सदियों तक जीवित रखने की ताकत रखती है। आज मशहूर संगीतकार मदन मोहन साहब का एक भी वीडियो पूरी दुनिया में नहीं है। आज जब उनके बेटे को मैं मिलता हूँ बोलता है एक आदमी नहीं है जिसने मेरे का एक सेकंड का भी वीडियो रखा है, आज मैं कितना पछताता हूँ। तो यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू, डोंट गेट डिसरिगार्डेड, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग। मैं जब स्कूल में था तो एक हैप्पी नोट पर इसको एंड करता हूँ, तो एक जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब घना बदा लोग मैंने पूछे थे कि प्रसन्न भाई आपको कभी प्यार हुआ है क्या? मैं लोगों को बोलता हमेशा मुझे हुआ है, सामने वाले का पता नहीं है। और आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने हमेशा सेलिब्रेट किया है, जिंदगी को हमेशा एंजॉय किया है। एक और प्रशांत पंड्या देखो मेरे साथ में, अतुल भाई कितने सारे प्रशांत हमारे साथ में, प्रशांत नाम के लोग हमेशा हंसते खिलते रहते हैं। और ये कुछ लोगों के तो नाम नहीं आते, खाली रियल मी, अरे क्या बात है, सचमुच रियली ही आप। और भरत भाई, थैंक यू भरत भाई, आपको कभी भी देखता हूँ बहुत मजा आता है, और किसी ने थैंक्स कहा है लेकिन उनके मॉडल का नंबर आता है। संजय भाई क्या इतना सोच रहे हो, महाभारत के जमाने से संजय नाम के व्यक्ति को दिव्य दृष्टि है। मयूर भाई हमारे साथ जुड़े हैं, देश का राष्ट्रीय फोटोग्राफर। आशीष वोरा जी कैसे आप, दिनेश हमारे साथ में,
थैंक यू। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकते हो। शब्बीर भाई आपका बहुत बहुत आगे स्वागत है। सुनील भाई याद रखिए हम आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। दीपल भाई थैंक यू सो मच। अरुण भाई थैंक यू। मैं इसको कंक्लूड करूंगा हैप्पी हैप्पी नोट पर, लेकिन आप सोचो बड़े बड़े क्लाइंट जिनके बड़े बड़े बिजनेस है जो आज मुझे फोन करते हैं। एक तो इतना बड़ा क्लाइंट है कि जिसको देखने के लिए लोग छह छह महीना वेटिंग में रहता है, वो आदमी उन्हें मुझे फोन किया, बोला सर आपने मुझे फोन क्यों किया। पूरा पिछले एक हफ्ते से जिनको भी फोन कर रहा हूँ फालतू ही बातें चल रही है, सूत हंसे क्या होगा क्या नहीं होगा ये होगा, मैंने तुमको इसलिए फोन किया, वो भी वीडियो कॉल इसलिए किया। यार तुमको जब मैं बात करता हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वापस इंसानों में आ गया। तो ये लोगों ने मेरे को रिस्पेक्ट दिया है तो आई हैव टू रेसिप्रोकेट। जीतू भाई विलास खम्मत जी कैसे हो, गोवा मत जाइए अभी जब तक मैं नहीं आऊंगा, आप गा नहीं सकते। हेमंत भाई अश्विन भाई जितने वो लोग हो सके अभी X9009 अभी इन्होंने हेडफोन लगाया है, माथा चमक रहा है लेकिन नाम उनका नहीं आ रहा है। रीडमी वाइट सेट स्पेक्स के साथ में अश्विन भाई थैंक यू। ललित भाई यू आर ऑलवेज रॉकिंग। एंड विजय भाई अरे का है विजय कसा है। हाँ अरुण भाई की बेटी का संगीत मैंने लिया है और उसका पेमेंट मैं नहीं लूंगा। अतुल भाई हमारे साथ में, नेल्सन पटेल हाई हाउ आर यू। प्रदीप हम लोग ने साथ में काम किया, एक इवेंट में साथ में काम किया हमने। हाँ यस बिल्कुल। प्रशांत हाँ मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद में पंकज जी हमारे साथ में, राजेश, किरण भाई, गिरीश भाई, नॉट पॉसिबल टू टेक एवरीबडीज नेम। अमित भाई थैंक यू सो मच। अमिताभ बच्चन के बाद आपका ट्वीट हिट रहने वाला है। बच्चों के साथ में अब देख के बहुत खुशी हो रही है। और याद रखना जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा मेरी काम वाली भाई आएगी तो मेरी वाइफ उसको जरूर ये बोलेगी देखो तुम नहीं थे भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा किचन देखो कितना चकाचक है। तो हमारी काम वाली भाई को व्हाट्सअप करके मैंने पहले ही रखा है कि जैसे ही मेरी वाइफ तुमको ये बोलेगी तुम ये जरूर बोलना क्या किचन तो एकदम चकाचक है, कुछ भी बोलो मर्दों का हाथ में बहुत ताकत होता है, समझने वाले को इशारा है। सुनील भाई, श्रेयस भाई थैंक यू सो मच। सारी तैयार, बहुत सारे लोग मुझे इसलिए फोन कर रहे हैं प्रशांत भाई अभी कोरोना के ऊपर तो आपका स्टॉक सॉलिड बन गया होगा। जय भाई, हितेश भाई, संजोग राजे जी, मुकेश कुमार जी, राजेश लोढ़ा जी, नीलेश भाई मेहता, मुकुंद कुंटे, गैलेक्सी और वीवो भी मुझे सुन रहे, क्या बात है, मैं इतने दिन उनका इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए मर रहा था। केतन गांधी, केतन भाई, सजल कुमार की, ललित गढ़ा, तृप्ति मर्चेंट, योगेश करानी, दिनेश भाई, एवरीबडी एवरीबडी, बहुत सारे लोग सिर्फ ऑडियो पे है। साई गणेश, चेतन रानपुरा जी थैंक यू सो मच। हम एक ऐसी रेस में जिसमें हमको बिल्कुल डरना नहीं, एंड आई होप कि एक महीने तक कम से कम, अरे बॉस एक बात बताओ, एक महीने तक अगर किसी को भी खाने पीने, मुझे नहीं लगता है आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने लोगों को दिया है, आपको क्या कमी है। जो कड़ूस थे, जो कंजूस थे, जो उंगली करने वाले थे, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं। आपने हमेशा, मैं और आप, हम सब कलाकार हैं, हम सिर्फ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एंकर नहीं, हम लोग आर्टिस्ट हैं। और आर्टिस्ट जब तक जज्बाती नहीं होता है तब तक वो आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे फोन किया है, बोला किसी को भी कोई जरूरत है हमको बताओ, हम उनके पास पहुंचाएं। सो डोंट हैव टू वरी, हम सब लड़ेंगे। याद रखिए जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा बिजनेसमैन नौकरी करने वाले अपने अपने काम पे जाएंगे, मेरा नंबर नहीं आने वाला है। उसके बाद इनका काम शुरू होने के बाद आप लोग का नंबर आने वाला है, आपको इवेंट्स कवर करने, आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, आप अपनी लाइफ को सेव करना शुरू करेंगे। जब आपका काम सिस्टमेटिक शुरू हो जाएगा उसके बाद हमारा नंबर आने वाला है। हमारा नंबर एंटरटेनमेंट लग्जरी में जाता है, हमारा नंबर बाद में आएगा, लेकिन मैं बिल्कुल डरा नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ में आप लोग और आप जैसे लोग मेरे चाहने वाले, तो मुझे क्या टेंशन है, मैं बिल्कुल डरा नहीं हूं। आप यहाँ पर देखो जिनकी सफेद दाढ़ी है वो आदमी को देख के क्या ताकत मिलती है, रोहित भाई को देखो, देखो इनका चेहरे पे तेज देखो, ऐसे लोगों को देख के शक्ति मिलती, इन्होंने दुनिया देखी है, अब इनके पास अनुभव है, हमारे पास एज है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। वी आर नॉट स्केयर्ड, वी आर नॉट अफ्रेड। भाई मेहरबानी करके अपनी तकदीर को मत कोसो। मैं फरवरी में मैंने एक बार पोस्टिंग डाली थी, क्यों डाली थी मुझे मालूम नहीं, उसके अंदर मैंने लिखा था जब हमारे साथ बहुत बुरा होता रहेगा ना, लगातार बुरा होता रहेगा ना, तो याद रखना कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। लेकिन लगातार हमारे साथ जब अच्छा होने लगता है तो बी अलर्ट, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। इतने हमारे देश में ज्ञानी पंडित एस्ट्रोलॉजर है, किसी को भी कोरोना वायरस के बारे में कुछ नहीं पता था, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। जो नरेंद्र मोदी जी की पूरी कुंडली पढ़ सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की कुंडली पढ़ सकते, एक को भी पता नहीं चला ऐसा कुछ वायरस आने वाला है।
अपना काम अपने को करना है, कोई अपना खाना खिलाने को नहीं। ये शुरुआत में सिंपथी वेव चलेगी, कुछ दिनों के बाद ये सारा कुछ खत्म होने वाला है, सारे जोक्स खत्म होने वाले हैं। आपको आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, साइकोलॉजिकली उनका ब्रेन वॉश करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। जब टाइम शुरू होगा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मेरे मैं तो अभी बोलना भी छोड़ दिया हूँ। मेरा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, मेरे Facebook पेज को लाइक करो। ऐसा मैं लोग बोलता, अभी मैं बोलता नहीं क्योंकि कुछ नहीं फर्क पड़ता है अभी, आप करो या नहीं करो। मैं देखता हूँ ऐसा कुछ खास, मैं बहुत सारे लोगों के साथ में लाइव जाता हूँ और ये यूट्यूब में घना बता वीडियो हसे तो पैसा मल से, ये सारी इमेजिनरी दुनिया है। प्रैक्टिकल काम क्या है? प्रैक्टिकल काम ये कि मुझे मटेरियल जमा करना है। आप सारे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स को कैटेगरी वाइज स्टोर करके अपने ड्राइव में रखो और उसको अपलोड करना शुरू करो। फोटो बैंक के लिए तैयारी, अभी आपके पास टाइम है, आपके इंडस्ट्री के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर ढूंढो, नया टूल ढूंढो जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर स्टडी करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लैक ह्यूमर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। ब्लैक ह्यूमर सेकेंड लास्ट बात, एक्चुअली ये लास्ट नहीं। ब्लैक ह्यूमर क्या होता है? एक गांव में एक शमशान है और उस शमशान में काम करने वाले दो लोग जिनकी रोजी रोटी इस पर चलती है कि जब भी कोई मर जाए तो उसके लिए लकड़ियां तोड़ के रेडी रखना और उसकी बॉडी जलाने के लिए उसका इस्तेमाल करना, और ये दोनों आपस में बात करें। जस्ट इमेजिन करो, दो लोग आपस में बात करें जिनका काम है मैयत को जलाना। एक बोल रहा है, भाई 2 महीना हो गया गांव में कोई मरा नहीं, हम कैसे जिएंगे। क्या बोल रहा है? गांव में 2 महीना हो गया कोई मरा नहीं, हम कैसे जिएंगे। दूसरा बोलता है, फिक्र मत कर, मरेगा कोई ना कोई, मरेगा, भगवान अपनी तरफ भी देख रहा है। बोलता है, यार तेरे को क्या है, तू हौसला दे रहा है लेकिन मेरी वाइफ ने बोला है अगर आज तुम पैसा लेकर नहीं आओगे मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। बोलता है, तू खाने की बात कर रहा है, मेरी तो हालत और भी खराब है, मेरी वाइफ ने मुझे बोला है कि अगर आज तुम पैसा लेके नहीं आओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। दूसरा बोलता है, मने इमलाक से, तू फिक्र मत कर, आज लगता है मेरे को कोई ना कोई मरेगा, भगवान अपने बारे में सोच रहा है। अच्छा पता नहीं यार, तू बीड़ी जला, कुछ ना कुछ जलते रहना चाहिए, माहौल बनाए रहना चाहिए। दोनों बीड़ी पी रहे, इतने में बैकग्राउंड में आवाज आई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो पहला वाला बोला, देख क्या बोला था मैं तेरे को, कोई ना कोई मरेगा, वो देख मुर्दा आ रहा है, 100 साल उम्र है। इसको बोलते हैं ब्लैक ह्यूमर। मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब हमारी इंडस्ट्री में उन आर्टिस्ट लोगों को नहीं बुलाया जाएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आए। ये लड़की बहुत खूबसूरत दिखती है, हाँ भाई चेन आने बहुत आवे छे, इसके लिए अब किसी को नहीं बुलाया जाएगा। अब जेन्यून आर्टिस्ट लोगों का टाइम आ गया। अभी वो जो टिपिकल डांस चलता था, ए हम एक अकब अपन मोर बन ही था निगाट, सब 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 बदल जाएगा। पीपल आर गोइंग टू टॉक वेरी प्रैक्टिकल। शुरुआत में 4 गाने गाओ, उसके बाद डांस पे लग जाओ और उसके बाद गरबा करो, ये सब सिस्टम बदल जाएगा। पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल एंटरटेनमेंट। जेव्हा मी कॉलेज मध्ये होतो तेव्हा मी एक कविता लिहिली होती, आज तुम्हाला मी ती वाचून दाखवतो। मी मराठी नाही पण तुम्हाला सर्वांना मराठी कळेल अशी मला अपेक्षा आहे। तुम्ही शाळेत आहे, तुम्ही कॉलेजमध्ये यायचं, आम्ही सुद्धा कॉलेजमध्ये यायचं, तुम्ही आमच्याकडे बघायचं, आम्ही तुमच्याकडे बघायचं, तुम्ही हळूच खुदकन हसायचं, आम्ही यालाच प्रेम समजायचं, आम्ही याला प्रेम म्हणायचं। मग नंतर वर्ग चालू झाल्यानंतर तुम्ही हळूच मागे वळून बघायचं, आम्ही तुमच्याकडे माळून बघायचं। मग कॉलेजचा क्लास संपायचा, तुम्ही तुमच्या घरला जायचं, आम्ही आमच्या घरला जायचं, जाता जाता आम्ही मागे वळून बघायचं, तुम्ही आमच्याकडे हळूच वळून बघायचं आणि हसायचं। ह्यालाच प्रेम म्हणायचं, काही कळत नाही ह्यालाच प्रेम म्हणायचं। मी आपलं हे रोज चालू असायचं, एक दिवस तुमच्या भावाला कळायचं, त्यांनी आम्हाला बदा बदा मारायचं आणि आम्ही सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट असायचं। आणि मग तुम्ही तुमच्या मैत्रिणी बरोबर मारीची बिस्किट आणि शहाळाचं पाणी घेऊन आम्हाला बघायला यायचं आणि जखमी अवस्थेत तुम्हाला बघून आम्ही पुन्हा एकदा हसायचं। ह्यालाच प्रेम म्हणायचं, ह्यालाच प्रेम समजायचं, काही कळत नाहीये। मग अचानक तुम्ही 4-5 वर्ष गायब व्हायचं, आम्हाला कुठेच नाही दिसायचं, आम्ही नुसतं झुरत राहायचं आणि 5 वर्षांनंतर अचानक कुठल्या तरी बसस्टॉपवर तुम्ही आम्हाला दिसायचं आणि तुमच्या हातामध्ये एक लेकरू असायचं, आणि आम्ही तुमच्याकडे जायचं, तुम्ही आमच्याकडे बघून बोलवायचं, हळूहळू आमच्याशी गप्पा मारायचं आणि म्हणायचं हे माझं लेकरू। आम्ही त्या मुलाकडे बघायचं आणि त्या मुलाकडे बघून तिने असं म्हणायचं, याला मामा मामा म्हणायचं,
On this happy note, I would like to wish you all the best. अगर हो सके तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, और वक्त ने चाहा मुझे जिंदगी में कभी मौका मिलेगा, मुझे किसी ने पूछा तो मैं आप लोगों का नाम रेकमेंड करूंगा, आपको कभी मौका मिला तो उस कलाकार का नाम रेकमेंड कीजिएगा जिसको इस वक्त पैसे की जरूरत है, मेरा नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन उन लोगों का करना जिसकी दो वक्त की रोटी रुकी हुई है। मैं तो लड़ लूंगा, मेरे को बहुत कमी पड़ेगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा, पैसे ले लूंगा आपसे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब मुझे लोगों ने जो मुझे दिया, आज मेरी बेटी इंजीनियर है, आज उसका इंटर, आप दहवीं, जब आपके बच्चे अगर टेंथ में, तो एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर कर दूं, टेंथ के एग्जाम नहीं होने वाले और उन सबको अगले क्लास में भेज दिया जा रहा है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई का टेंशन छोड़ दो। और 1-9 स्टैंडर्ड तक तो ऑलरेडी हो चुका है, CBSE ने भी डिक्लेयर कर दिया है, कल या परसों तक SSC बोर्ड का डिक्लेरेशन आ जाएगा, लेकिन इसको रूमर की तरह मत फैलाओ, ये खबर है। और सावरकर साहब जिनके साथ मेरी बात उन्होंने बताया, सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया। मुकुंद जी थैंक यू सो मच, वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, जिंदगी में बाकी सब कुछ चलता है, आप और हम मिल नहीं सके, एक लाइन बहुत अच्छी चल रही है उसके साथ कंक्लूड करता हूँ कि हमारा मिलना जरूरी नहीं है, हमारा होना बहुत जरूरी। लव यू गाइस। प्रशांत जी थैंक यू सो मच, और स्पेशल थैंक्स टू नीलेश मेहता जिन्होंने आपको आज यहाँ पर इनवाइट किया, और हम दोनों हम पूरे 100 जन के ऊपर आज बहुत जन वेटिंग में है, तो सब लोग की तरफ से, मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए और नॉन स्टॉप जो आपने AK-47 छोड़ा हुआ है, लेकिन सब लोग हंसते रहे, हंसते हंसते आपकी गोलियां खाई है, लेकिन गोली खाते खाते भी आपने हमको होमवर्क भी दिया हुआ है, होमवर्क में आपने बताया कि डेटा बैंक आपके फोटो बैंक जो है वो बनाओ, तो सभी हमारे फोटोग्राफर्स मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रशांत जी ने जो होमवर्क हमको दिया है उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे, और एक आपके पूरे लेक्चर में आपके पूरे जो आपने हमको गाइडेंस दिया उसमें एक, मैं शेरो शायरी में आपकी तरह नहीं है लेकिन एक छोटा सा प्रयास करूंगा, गुजर जाएगा ये वक्त भी गालिब, गुजर जाएगा ये वक्त भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी न ठहरी तो ये गम की क्या औकात है। सर इसी के साथ हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, सोनील जी। जी जी पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगा सर, बोलने का मौका दिया आपने। मैं ट्राई कर रहा था प्रशांत जी की तरह। हाँ नहीं क्या आपकी गाड़ी शुरू थी तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है सर, लेकिन मैं प्रशांत जी को तो मैं उनके फोर्स शोज अटेंड किया हुआ है और बहुत बहुत खुशी हुई, थोड़ा मोटिवेट भी हुए हम सब लोग। स्पेशल थैंक्स नीलेश भाई को क्योंकि उन्होंने जो आपसे मिलने का रास्ता बहुत क्लियर करा दिया सर, और थैंक यू वेरी मच सर। प्रशांत जी एक बात हम सब सोच के ऊपर हम लोग सब कहना चाहेंगे आपको आज कि हर टाइम हम लोग आपको बहुत सारे शो में हम लोग ने आपको शूट किया हुआ है, आपके शो में हमको हंसी भी आती है लेकिन और टेंशन भी रहता है कि रिकॉर्डिंग छूट नहीं जावे या आप में इतने इतने मशगूल नहीं हो जावे कि रिकॉर्डिंग करना ही भूल जावे, लेकिन आज इत्मीनान से हम लोग ने पूरा, मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है आपका शो, लेकिन पूरा आपका हम लोग ने पूरा ध्यान से सुना। हाँ भरत कोया जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रशांत जी मैं यही विश करता हूँ कि आपका पहला शो MPA के साथ हो जाए। क्या बात है। यस वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट सर। जरूर जरूर डेफिनेटली। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए किरण जी बोलिए। ये हमारे ट्रस्टी जी हैं प्रशांत जी, किरण शर्मा, अंधेरी में उनका स्टूडियो है। यस प्रशांत भाई अपन साथ में काम किए केलवानी मंडल का। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल काफी काम किए। ऑल द बेस्ट जो आपने अभी समझाया हंस के भी और वो करके बहुत अच्छा लगा आपका बोलने का तरीका, और वो जो हमारे फोटोग्राफर भाई है उनको भी अच्छा, सबका कमेंट्स आ रहा था कि आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, क्या है आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा, और आपने क्या किया पूरी जो जो भी चीज बोली हमारे फोटोग्राफर भाई के लिए और अपने साथ ज्वाइन कर लिया आपने सब, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा, बहुत अच्छा लगा आपका बोलना। खाली मुंबई से सब लोग नहीं थे और भी बहुत जगह से और लातूर से और वो बाजू से भी बहुत सारे आज जुड़े हुए हैं आपके साथ। क्या बोल रहे थे प्रशांत भाई आप कुछ बोल रहे थे प्रशांत? हाँ अच्छा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि
आपने अगर इसको रिकॉर्ड किया तो जरूर इसका हाईलाइट बनाइएगा, और आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान किए। कई बार कई ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो मीटिंग में जाते हैं, क्लाइंट के साथ में बात करते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं कि उनका डिपार्टमेंट नहीं एंटरटेनमेंट का, फिर भी पूछते भाई कौन करी रहा है प्रोग्राम, तो बोलते ये वो कर रहा है, बोला एंकर कौन से, बोला प्रशांत राजा, तुम्हें टेंशन नहीं करना, आप लोगों का इनडायरेक्टली मेरे ऊपर कर्जा है। और कभी कभी कुछ अजीब लोग भी मिल जाते हैं, जो मैंने 10 मार्च को सेकंड लास्ट शो किया उसके अंदर एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला प्रशांत अंकल मुझे पहचाना, मैंने कहा नहीं पहचाना, बोला पहचानो, हाँ कसम मैं कहता हूँ SSC में जितनी पढ़ाई नहीं की उतना लॉजिक मैंने लगाया और उस लड़के को पहचानने की कोशिश की, क्लू नहीं मिला कि ये कौन है। उसके बाद में बोला भाई मैं हार गया, बताओ मैं कौन हूँ, बोला प्रशांत जी मैं वो हूँ जिनकी मम्मी डैडी का संगीत आपने 16 साल पहले किया था। भाई ये कोई लॉजिक, 16 साल पहले उसके माँ बाप का संगीत मैंने किया था, उसके बलबूते पर मैं इसको कैसे पहचान सकता हूँ, लेकिन चलता रहता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। और अगली बार जब हम लाइव जाएंगे तो मुझे प्रशांत जी मत बोलिए, मैं आपका फ्रेंड हूँ, प्रशांत हूँ, आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। प्रशांत जी तो नहीं बोलना है, लेकिन भारत सरकार ने आपको जो पद्मश्री का अवार्ड दिया है इन्होंने क्या किया, बेटे का नाम पद्मश्री डाल दिया तो लोग बुलाएंगे कैसे, पद्मश्री प्रशांत भाई। थैंक यू। सभी को रिक्वेस्ट करेंगे एक ताली बजा के प्रशांत साहब का एक अच्छा सा स्वागत करें। थैंक यू ऐसा ही प्रोग्राम अपना कल भी है 4 बजे, तो आप कल भी हमारे अलग दूसरे फैकल्टी के साथ हैं हम लोग प्रोग्राम में, तो कल का प्रोग्राम भी हम आपको अनाउंस करेंगे। और कल 99% दो फैकल्टी है हमारे साथ, जो एक तो 4 बजे चालू होगा और वो 5:15 बजे तक रहेगा, और 5:15 से 6 बजे तक दूसरे फैकल्टीज आएंगे, और हमारे बाकी भी कम से कम 12 तारीख तक हमारे सब फैकल्टीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो लास्ट में ज्वाइंट हुए हैं बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में भी आज गए हुए हैं। तो मैं हमारे प्रेसिडेंट सोनू शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, वो किट के बारे में अनाउंस कर रहे थे वापस, और एक बार मैं उनको बोलूंगा कि बहुत सारे नए मेंबर्स आए हुए, तो आप वापस वो अनाउंस कर दीजिए सर। थैंक यू सर। मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन अपने फोटोग्राफर भाई जिनको भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है फूड ग्रेन किट का, खाने के सामान का, तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, हम आपको फूड ग्रेन किट आपके एरिया तक वहाँ तक पहुँचा देंगे। इसमें कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, कोई संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपके असिस्टेंट को किसी को भी जरूरत हो प्लीज आप फोन करके, मैंने मैसेज दिया हुआ है, आप किसी भी कमेटी मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे फोन कर सकते हैं। और व्हाट आप कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और ये जो हम लोग का लॉकडाउन पीरियड जब से चालू हुआ है तब से हम लोग ये सब ऑनलाइन के लिए हम लोग सब जुड़ गए हैं, तो थैंक्स टू मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन, सभी कमेटी मेंबर और ट्रस्टी जिन्होंने कंटिन्यू से प्रोग्राम बनाए हुए, अलग अलग फैकल्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको लॉकडाउन पीरियड से अप टू ये 14 तारीख तक डेली शाम को 4 बजे से 6 बजे तक प्रोग्राम अलग अलग देना साथ चालू कर दिया है। तो आप और आपके मेंबर्स जो भी हैं वो पहले से अगर जो हमको बोले, तो हम लोग ने 100 तक के लिमिट रखे थे, आज बहुत जन को मेरे को ना बोलना पड़ा यहाँ से, तो आप अगर जो ज़्यादा आना चाहते हैं तो आप हमें पहले से आपका नाम एनरोल कराइए, तो हम लोग 300 या 500 का भी हम लोग पैकेज ले सकते हैं। तो और आपके कुछ नए आपको प्रोग्राम चाहिए तो आप हमें बताइए, तो हम लोग उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा फैकल्टी है, तो हम लोग उसके ऊपर भी आपको एक अलग से प्रोग्राम देंगे, और अभी ओपन टू ऑल है, आपको जो भी कुछ किसको भी कुछ बोलना है तो आप एंड रेस कीजिए, मैं म्यूट हूं। अतुल भाई वासु भाई कर लीजिए एक सेकंड। हां बोलिए सुनील भाई। अशोक भाई जी आए हुए हैं, एक मिनट, कहां चले गए, सीनियर स्टिल फोटोग्राफर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। हां हां उनको इनवाइट किया था। अशोक भाई शायद
ठीक है चलेगा, बोलिए जी, कोई बात नहीं। अभी वो वासु भाई का जरा थैंक्स बोल दीजिए। जी सर, वासु भाई थैंक यू वेरी मच। अरे सर एनी टाइम, बस खाली एक वो जो मैंने जो प्रपोजल दिया उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कैमरा जो चोरी हो रही है अपना इंश्योरेंस कैमरा का सब लोग करवा ले। कल ही हम लोग ये लेके आएंगे, और कल ये जो चिप के बारे में था उसका भी इंफॉर्मेशन हम लोग ज्यादा उसका भी, और एक बार ना कंपनी वालों से भी अगर बात हो सके ना, जो भी कंपनी वाले हैं वो लोग ही डायरेक्ट इंश्योरेंस करके ही कंपनी से निकाल ले, मतलब जब बिलिंग करते हैं तो उसमें इंश्योरेंस इंक्लूड कर दे, ऐसा भी हो सकता है, तो भी पॉसिबल। अच्छा है, पक्का पक्का, श्योर। दिलीप दीपल भाई बोलिए, दीपल भाई एक मिनट, दीपल भाई एक मिनट, दीपल भाई आप वहां से, दीपल भाई आप, हाँ बोलिए दीपल भाई। हमारे फोटोग्राफर सब बहुत खुददार है, सामने से कोई हमारे पास आएगा नहीं हेल्प मांगने, हम लोग की कमेटी को ही डिसाइड करना पड़ेगा। पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर, हो जाएगा पक्का। थैंक यू, आज का आपका वर्कशॉप था, लाइक इट वेरी मच, रॉकिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आइंदा कपड़ा पहन के आया करो डिपल भाई। अरे आ गया फुल ड्रेस सर। नहीं तो एक मिनट, पुरुषोत्तम भाई का ऑडियो खोलो, पुरुषोत्तम भाई का ऑडियो खोलो, पुरुषोत्तम भाई का रेडमी लिखा हुआ ऑडियो खोलो। हेलो हेलो, हां रेडमी वाले पुरुषोत्तम भाई, हां बोलिए। क्यों डिस्टर्ब करते हो? नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था सर, आपका चार पांच बार आया, सब लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, और आपको मैं फोन कर रहा हूं, उठा भी नहीं। हेलो नहीं, मेरा चालू ही था। ओके सर, आप मेरा फोन कट कर रहे हो, और सर आपका चालू था, आपका चालू था। 100 लोग हैं इधर सर 100 लोग झूठ बोल रहे हैं। सर जरूरी नहीं है तो माइक म्यूट करके रखो, इतनी बार ये लोग सब लोग बोल रहे हैं हमारे लिए, तो प्लीज आप ध्यान रखो सब। ओके हेलो बोलो अशोक भाई, आ गए, रुको अशोक भाई आ गए, एक मिनट अशोक भाई, मेरा ऑडियो आ रहा है, जरा उनका ऑडियो खोलिए। अशोक रेडमी लिखा हुआ देखिए, रेडमी है वही, हाँ नीचे वाला रेडमी देखो, हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए अशोक भाई, ऑडियो आ रहा है? हाँ अशोक भाई वेलकम सर, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ बोलिए। तो मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा आपका, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग का एक कोऑर्डिनेशन, जो आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपके माध्यम से। मुझे सोनू भाई के साथ हमारी पुरानी रिलेशन है, आप लोगों का नाम सुना था अतुल भाई, और उनको आज पहली बार मैं उनको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लाइन के, बिकॉज मैं वेडिंग लाइन का नहीं हूँ, मैं फिल्मी फोटोग्राफर था, 30 साल मैंने फिल्म लाइन में ही काम किया, इनके साथ जुड़ा हूँ, सुहेल भाई के साथ डेली मेरा कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन रियली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड जो फोटोग्राफर को जो हौसला आप जाए कर रहे हैं, और इवन जो प्रशांत भाई ने किया, वाकई तारीफ की। थैंक यू सर, आपका भी नाम हम लोग ने बहुत, सोनू भाई की तरफ से आपसे हमको गाइडेंस भी चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करना। एक सेकंड अतुल भाई, एक क्या है, थोड़ा 20 साल वाले फोटोग्राफर थे, मैनुअल काम करने वाले थे, अभी लेटेस्ट जो जनरेशन जो है जो डिजिटल में काम कर, थोड़ा उससे जाता है, लेकिन कई बार मुझे मीटिंग बहुत अच्छी लगी है। एंड अतुल भाई थैंक्स, मैं सोनू भाई का थैंक्स बोलना चाहता हूं, मुझे आपके साथ इन्वॉल्व किया और मुझे प्रोग्राम देखने का मौका, मैं डेफिनेटली और मेरे लायक सेवा तो जरूर कुछ मिली। थैंक यू सोनू भाई, और थैंक यू रमेश जी, आप अशोक जी के आप के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग लाइनअप में लेके नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ आपसे एक्सपीरियंस आपका शेयर करेंगे, तो हम भी वो लाइन के ऊपर चलेंगे। तो और किसी से कुछ बात करनी है, और किसी को? योगेश, योगेश भाई कैसा लगा आपको प्रोग्राम? एकदम बढ़िया था प्रोग्राम, और ये जो लॉकडाउन के पीरियड में सब पूरी दुनिया अभी रिसेट होने को जा रही है, तो आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे अभी ऑनलाइन का भी ये सिस्टम चालू हो गया जो हम लॉकडाउन पीरियड में हम लोग को पता चला, तो इसके जरिए या और जरिए अपन जुड़े रहेंगे, लेकिन और भी आने वाले समय में क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। हम लोग सब साथ में रहेंगे और एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे, तब तक अशोक भाई आप भी हैं लाइन पे,
तो आपको कैसा लगा प्रोग्राम? काफी अच्छा था और एमपीए ने जो प्रोग्राम रखा सबके लिए और ऐसे प्रोग्राम करते रहे तो ये मैं आशा चाहता हूँ। थैंक यू। सुमुक भाई धरोड़, आपको कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। और जो पर एक बेस है इस टाइम पर जो बेस कर रहे हैं वो इस पैकेज पर वेरी गुड पार्टी को। थैंक यू थैंक यू। साथ में नहीं रहते थे आप आपको जमा करके बाबत क्यों कर दिया एट्स ओके। थैंक यू सर थैंक यू। मनोज गणात्रा जी। अतुल भाई आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इतने स्ट्रेस टाइम पे ये सब सुन के बहुत मजा आया। और मैं सब भी भाइयों को बोल रहा हूँ साथ में रहना है और रोज सब जुड़ो और एंजॉय। चलो थैंक यू। चेतन भाई दोषी। थैंक यू अतुल भाई, सोनू भाई। आज प्रशांत जी की बात सुन के मोटिवेशनल जो स्पीच उन्होंने दी है रिगार्डिंग द कोरोना को भूल जाओ, कोरोना के बाद अपनी सीजन शुरू होने वाली है, ऑक्सीजन भर लो अपने सांसों में, हाथ पैर मजबूत कर लो, योगा करो, कसरत करो घर में और तैयार हो जाओ अगली सीजन के लिए। ब्रेन ऑलरेडी ब्रेन तो वॉश प्रसाद जी ने कर दिया, अभी अब गया कोरोना तो डेफिनेटली। और ये अच्छी तरह से इतना अच्छा हैंडल आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं शांति से बैठ के बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ अतुल भाई। ये जब तक ये चल रहा है लॉकडाउन। ओके अश्विन भाई, हमारे एमपीए के सेक्रेटरी। यस सर, गुड आफ्टरनून ऑल। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज नहीं, मेरे को मतलब फोटोग्राफर आज जो सब हमारे मेंबर जुड़े हुए थे, सबसे पहले तो उनको पूछना था कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और कमिटी की तरफ से एश्योरेंस देना है कि ऐसे टाइप के प्रोग्राम हम लोग और आगे कंटिन्यू करने के लिए ट्राई करेंगे। और किसी के भी पास में जैसे भी आज इतने सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, सबके कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, वो कॉन्टैक्ट्स के अंदर कुछ भी बेनिफिट लेके ऐसे प्रोग्राम में हमको हेल्प कर सके, तो उसके लिए भी मुझे उनको रिक्वेस्ट करनी थी। बाकी तो सर आप प्रॉपरली होस्ट कर ही रहे हो, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके ललित टाक जी। क्या देखा ना? या क्या बोलो? हाँ बोलो, बोलिए। बहुत फर्स्ट क्लास सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। नेल्सन भाई। हाँ कैसा रहा प्रोग्राम आज का? हाँ बहुत अच्छा था, अच्छा मोटिवेशन था। यस yes. थोड़ा डिप्रेशन में जाने वाला आदमी भी बाहर आ जाएगा। या गुड बराबर। और हमारे जीतू मर्चेंट जी हमारे साथ में हैं। जीतू भाई बोलिए। जीतू भाई एक मिनट जीतू भाई। हाँ बोलिए। जितने भी फोटोग्राफर मेंबर एमपीए के हैं जो सब जूम पे आते हैं तो अच्छा होता है, जरा ट्रेस से बाहर निकलते हैं और आनंद होता है, तो जुड़े ही रहिए जब तक कोरोना है तब तक। ओके भरत भाई, भरत कोया जी। कनेक्टेड था मार्ग। भरत कोया फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हम आशा करते हैं आपके लिए नए नए फैकल्टीज हम लोग रोज लाएंगे और भी पूरा पाइपलाइन रेडी है हमारे पास, और आपके पास भी कोई अच्छा होए कोई भी फैकल्टी आपको लगे ये सब भाइयों की मदद कर सके तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम श्योरली कोशिश करेंगे कि उनको ऑनलाइन आपके साथ लेके आए। वेरी मच थैंक यू। जिगर भाई। जिगर त्रिवेदी। जिगर भाई बोलो। जिगर भाई चिटकी गया हमारा तो आतो और ऐसे ही आप हमारे साथ कल 4 बजे भी सब लोग साथ में जुड़ जाइए और अच्छे प्रोग्राम हम आपको देने का ट्राई करेंगे। और हो सकता है उतने आप जो नॉन लाइफ मेंबर्स हैं एमपीए के उनको रिक्वेस्ट है आप एमपीए में मेंबर बन जाएं
और आपके जितने भी सर्कल में जितने भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है उनको भी बोले कि एमपीएम की एक्टिविटी के बारे में, और उनको भी अच्छा लगता है तो उनको भी जोड़ने के लिए आप बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड वेटिंग फॉर टुमारो बाय 4 o'clock शार्प। या थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू अतुल भाई, कल मिलते हैं।